बेटा बात यह है कि हमने तुम्हारी और रमेश की बात पक्की कर दी। सारी डिटेल हमने तय कर ली, ऐसी मंगनी होगी कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तुमने जिस मोहब्बत से मुझे सहारा दिया, मैं अपनी जिंदगी के इस सफर में उस मोहब्बत के सहारे चलने का फैसला कर चुका हूँ। मुझ पे अब कुछ भी खोने का ना हौसला है ना हिम्मत। अगर तुम्हारी मोहब्बत ना होती तो मैं कब का बिखर चुका पिज्जा रे साहब जी। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता, किसी मैदान में। तुम्हें मेरी ताकत हो, तुम्हें मेरी हिम्मत। बेटा बात यह है कि हमने तुम्हारी और रमेश की बात पक्की कर दी है। बात पक्की? क्या मतलब? अरे बाबा रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा, अगले हफ्ते मंगनी होगी बहुत बड़ी तकरीब में। ये रमा, रमा को क्या हुआ? रिश्ते की बात पर एकदम बुझ सी गई थी और फिर उठकर क्यों चली गई थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये रमा कॉल अटेंड नहीं कर रही, शायद सो रही होगी। थैंक यू। वैसे भाई अदनान के टॉप करने की खुशी में सबका लंच मेरी तरफ से। ओह वाओ रियली? लेकिन हम सब में से एक तो मिसिंग है। कौन? रमा। हाँ वो रात से मेरी भी कॉल अटेंड नहीं कर रही। हाँ रमा यहाँ पे नजर नहीं आ रही। मैं कॉल करता हूँ ना, मैं पता करता हूँ। हेलो अदनान। हे रमा कैसी हो? Congratulations, second position आई आपकी। मैंने नेट पे रिजल्ट्स देख लिए थे, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो टॉप करने की। थैंक यू। अच्छा हम सब यूनिवर्सिटी में और रामिस कह रहा है कि मेरे टॉप करने की खुशी में वो हम सबको लंच करवा रहा है, तो तुम भी आ जाओ ना। रामिस से बात करो। रामिस। हाय रमा। हाय रामिस। कहाँ हो यार तुम, रात से कॉल भी अटेंड नहीं कर रही मेरी। आ जाओ ना यार, हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो एक्चुअली रात में मैं जल्दी सो गई थी और आज मेरे सेकंड आने की खुशी में डैड मुझे और मॉम को आउटिंग पे लेके जा रहे हैं, सो आज मैं नहीं आ सकूंगी। तुम सब एंजॉय करो। लेकिन तुम्हारे बगैर। प्लीज रामिस, अगर मुझे पहले पता होता ना मैं मॉम डैड को मना कर देती। ओके नो प्रॉब्लम, जब तुम आओगी तो एक पार्टी फिर कर लेंगे। यार वो तो बिजी है। वो बिजी है तो क्या हुआ, हमें तो आज पार्टी करवानी पड़ेगी। तो लेट्स गो। चलो कम ऑन। चलो।